आज लेवाना होटल में भीषण आग लगी जिसमें कुछ लोगों की जान भी चली गई, कई लोगों का भी इलाज चल रहा है और निश्चित रूप से आज यहां पर लोगों को रेस्क्यू करने में जो यूपी फायर सर्विस की टीम है उसका काफी अहम रोल रहा। अपनी जान पर खेलकर यहां पर इन लोगों ने जो अंदर फंसे लोग थे उनको बाहर निकाला है। हमारे साथ में इस समय मदन लाल जी हैं, फायर ऑफिसर हैं, उनसे बात करेंगे। सर आज मदन सिंह जी, आप यहाँ पर जब अंदर गए सुबह 8 बजे के आसपास, क्या नज़ारा आप लोगों ने? सुबह 8 बजे तो बाहर से धुआं इतना था, अंदर जाना मुश्किल था। उसमें जब तक कि हम लोगों ने उसकी खिड़कियों को शीशे को तोड़ के वेंटिलेशन नहीं कर दिए तब तक अंदर जाना मुश्किल हो गया। वेंटिलेशन किया गया, एग्जास्ट फैन लगाए गए, उनसे स्मोक निकाला गया, इसके बाद अंदर जाने की स्थिति बनी। जब अंदर जाके देखा गया तो उसमें क्रमशः जो कभी खिड़कियों से कभी कुछ जो 4 लोग बेहोश मिले उनको निकाल के बाहर किया गया। फिर देखा ये गया कि आग तो एक किचन से लगी थी, वहीं पे उसकी सीमित थी, आग बढ़ी नहीं, आग बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसका धुआं भरने की वजह से कैजुअल्टी हुआ। किचन थी वो कौन से फ्लोर पे? फर्स्ट फ्लोर। सर अगर हम बात करें जो सबसे बड़ी चुनौती आप लोग के सामने आज रही, क्योंकि रेस्क्यू बहुत जगह आप लोग करते हैं, इस होटल के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, आर्किटेक्चर को, सबसे बड़ी चुनौती क्या फेस किया? चुनौती एक दिक्कत हो गई कि इन्होंने एक ड्राइंग बना लिया जो ये राड लगे हुए हैं बाहर से, इस राड की वजह से हम खिड़कियों पे पहुंचना मुश्किल हो गया। अगर ये ना होते तो ज़्यादा आसान होता। तो ये राड का कोई ऐसा मानक भी नहीं कि हम रोक पाते, इन्होंने शो के लिए लगाया और वो थोड़ा दिक्कत पैदा किया। मानक भी ना हो लेकिन घातक साबित हो गया, आवाज साथ साबित हो गया। अब उन्होंने शो के लिए लगाया लेकिन आज परेशानी में डाल दिया। अंदर जो इनके पास स्प्रिंकलर्स लगे थे या फायर फाइटिंग सिस्टम था, वो अभी देख पाए क्या हालत थी? स्प्रिंकलर तो तब फ्यूज होता है जब उसमें टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर तो इनका किचन में ही सीमित रह गया, तो वो टेम्परेचर नहीं मिल पाया कि स्प्रिंकलर काम करे, तो स्प्रिंकलर काम करने का उचित नहीं था क्योंकि पहले स्मोक ही स्मोक था। हाँ, और स्मोक में स्प्रिंकलर का कोई उचित नहीं होता, वो जब तक उसका 76 डिग्री जो है 67 डिग्री टेम्परेचर नहीं पाएगा तब तक वो चलेगा नहीं, और वो टेम्परेचर मिला नहीं क्योंकि वहाँ पे आग थी नहीं। इसके अलावा अगर हम देखें फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी और ऊपर तक वो किस तरह से आप लोग, ऊपर के लिए तो आपकी सीढ़ियाँ हैं, एसी के डक्ट हैं, उनमें से फैल जाएगी, आपके लिफ्ट के डक्ट हैं, जो भी डक्ट हैं उनमें से फैल जाएगी। मानक के पार्ट पे अगर देखें तो प्राइमा फेसी क्या आप देखते हैं कमियां आप लोगों को? मुझे लग रहा है जो हमने अभी जनरली देखा है तो उस जनरली में तो सारा कुछ लगा दिख रहा है, या पूरा जांच करने के बाद पता चलेगा अगर कोई कमी होगी तो प्रॉपर जो क्षेत्र के अफसर होंगे। ये जो एक सीढ़ियां आप देख रहे हैं ये भी पूरा पीछे ब्लॉक है, इसके पीछे इन सीढ़ियों के पीछे जाने के लिए रास्ता आप लोग के लिए, इसमें ऊपर जाने के लिए है, इधर नहीं है, बंद है, क्या है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम तो लग रहा है। हाँ, कि सभी उसमें होना चाहिए। लाकर अड़चने तमाम थी लोगों को बचाने में, रेस्क्यू करने में प्रॉब्लम आई, थोड़ा सा इसकी वजह से प्रॉब्लम आई, जो राड लगे हुए ना होती तो शायद जान बच जाती लोगों की, ये तो नहीं कह सकते क्योंकि उसके जान का तो 2 मिनट का समय है। हाँ, और इसके बाद हम लोगों को 8 बजे आग कितने बजे लगी उसका जो ड्यूरेशन है उसको तो नहीं कह सकते कि ऐसा कुछ संभव होता, लेकिन ये जरूर था। तो ये थे हमारे साथ में मदन सिंह जी जो फायर ऑफिसर हैं, और उन्होंने भी माना कि जो सबसे बड़ी आज अड़चन रही वो थे ये लोहे की सलाखें, जिन सलाखों ने इस होटल को, इस आलीशान होटल को एक जेल में तब्दील कर दिया, जिसके चलते कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हुआ और यहाँ पर कई लोग की जान भी चली गई। अगर ये रॉड्स नहीं होते तो शायद इनमें से कुछ जानें बचाई जा सकती थी। राजधानी लखनऊ के लेवाना होटल में हुए अग्निकांड में आज कई लोगों की जान चली गई, कई परिवार उजड़ गए, कई लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, लेकिन इसका दोषी कौन, सबसे पहला सवाल ये। तो अगर हम बात करें दोषी की तो वो है इस होटल के संचालक, इसको चलाने वाले वो लोग जिन्होंने इस होटल को बनवाया, जिन्होंने जिम्मेदार वो भी जिन्होंने इसके लिए अनुमति दी, क्योंकि इस होटल की अगर हम बात करें आज का जो अग्निकांड हुआ तो उसमें तमाम ऐसी खामियां भी निकल कर सामने आई हैं जो बताने के लिए काफ़ी हैं कि अगर मानकों का ध्यान रखा जाता तो शायद आज कई लोगों की जान बच जाती। शुरू करते हैं एक एक करके खामियां गिनाने से अगर हम, तो आप देख सकते हैं ये जो होटल के सामने ये कुछ प्लेट्स लगी हुई दिख रही हैं जो दूर से कुछ लोहे सी लगती हैं या दफ्ती का लुक आता है, तो इनकी अगर हम बात करें ये शो के लिए लगाई गई, लेकिन ये जिस पर लगाई गई वो है लोहे के रॉड्स मोटे मोटे, जिसकी वजह से जब अग्निकांड हुआ, जब आग लगी और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो फायर ब्रिगेड की जो टीम थी वो लोगों को रेस्क्यू नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अंदर शीशे कि जो खिड़कियां थी उन शीशों को तो तोड़ लिया गया लेकिन लोगों को बाहर निकालना मुश्किल था और खुद फायर सर्विस के लोगों का अंदर जाना मुश्किल था। ऐसे में ये जो लोहे के रॉड्स लगे हुए आप देख रहे हैं ये एक बड़ी बाधा बने आज के रेस्क्यू ऑपरेशन में, और
कुछ जो लोग थे यहाँ पर जो रेस्क्यू के लिए आए उनका ये भी कहना था कि अगर ये रॉड्स नहीं होते तो कुछ लोग जो अंदर मौजूद थे खुद भी शीशा तोड़कर बाहर हिम्मत कर सकते थे निकलने की, लेकिन उनके सामने ये विकल्प नहीं था। इसी तरह से दूसरी खामी को अगर हम दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं लोहे की, ये सीढ़ियाँ बाद में होटल में अलग से बनवाई गई हैं और इसकी वजह से जितने हिस्से में सीढ़ियाँ आ रही हैं ये पूरा रास्ता इन सीढ़ियों ने ब्लॉक किया हुआ है, जिसके चलते ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं ब्लॉक है, ना कोई यहाँ पर एंट्रेंस है ना एग्जिट है। ये भी एक बड़ी खामी यहाँ पर आज देखने को मिली है। बात करें अगर इस होटल को जो बनाया गया है तो उसकी, तो ये एक रिहायशी इलाका है, ये आवासीय इलाका है और यहाँ पर आसपास तमाम अपार्टमेंट बने हुए हैं, लोगों के घर बने हुए हैं और उनके बीचों बीच में ये होटल चल रहा था। इस होटल के अगर बात करें तो सूत्रों की माने यहाँ पर पहले कुछ नोटिस भी दिए जा चुके हैं इसे लेकर, लेकिन उसके बाद वो सब नोटिस दबा दिए गए। बहरहाल एक बार फिर से जो LDA है, जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है, जो नक्शा पास करने का काम करता है, वो एक बार फिर से इस होटल से जुड़ी हुई फाइलों को खुलवा रहा है। आगे की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस होटल में जाने की अगर हम रास्तों की बात करें तो ये सामने की तरफ। कोई भी होटल जब बनाया जाता है तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि वहाँ पर होटल की बिल्डिंग के हर तरफ से एक रास्ता हो कि अगर गाड़ी एक साइड से अंदर जा रही है तो घूम के दूसरी साइड से बाहर निकल सके, ये ध्यान रखा जाता है। लेकिन इस होटल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई भी गाड़ी आएगी वो यहाँ से सामने जाएगी और उसके बाद आगे आप देख सकते हैं रास्ता बंद है, तो यहाँ पर दूसरी तरफ से घूम कर निकलने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ जब आज रेस्क्यू का काम किया जा रहा था, जब फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी खड़ी हो गई तो उसके बाद एम्बुलेंस को यहाँ पर साथ में लगाने में दिक्कत आ रही थी, जब यहाँ पर JCB को लाया गया क्योंकि जो सरिये जो मोटे मोटे लोहे के रॉड्स थे वो नहीं हट रहे थे, तो JCB को लगाया गया कि उससे इन रॉड्स को तोड़ा जाए और उसके बाद में लोगों को निकाला जाए, तो उसको ले जाने में दिक्कत आई। यानी कुल मिलाकर ये जितनी चाहे यहाँ पर गाड़ियों के आने जाने की व्यवस्था की बात की जाए, चाहे यहाँ पर लोहे के रॉड्स की, तो आवागमन में भी एक बाधा रही जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हुआ, जो टीम्स थी वो अंदर ठीक से नहीं जा पा रही थी। और अब इस होटल के अंदर और भी तमाम चीज़ों की जांच की जा रही है, चाहे वो इसके नक्शे की बात हो, चाहे वो इसे लेकर के जो अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम था वो ठीक से काम कर रहा था या नहीं, तो इन सभी पहलुओं की अब जांच की जा रही है और LDA में इससे जुड़ी हुई फाइलों को भी खोल दिया गया है। लेकिन देखना ये होगा कि इस पूरे अग्निकांड के बाद दोषियों को कब सज़ा मिलेगी। दोषी सिर्फ इस होटल के लोग नहीं बल्कि वो अथॉरिटीज़, वो अधिकारी भी जिन्होंने इस होटल को चलने में अपना संरक्षण दिया कह सकते हैं, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी ये भी एक बड़ा सवाल है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।